हेलो एवरीवन, यहाँ पे सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया वेडिंग स्पेशल ब्लॉग का। तो यहाँ पे हमारे जो ब्राइड हैं, दूल्हा दुल्हन है, वो खाना खा रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे ब्राइड को लेके आ गए थे अंदर नथ वगैरह पहनाने के लिए और ये चुन्नी वगैरह ओढ़ाने के लिए। उसके बाद ले गए हम फेरे पे और यहाँ पे जो पंडित जी, उन्होंने चाची और चाचू को बैठा दिया क्योंकि सबसे पहले कन्यादान होगा। वहाँ पे मेरी नंद के ससुर जी बैठे हुए हैं और उनके साइड के पंडित, मतलब उनके साइड के लोग हैं। उसके बाद यहाँ पे बैठ के लहंगा बहुत ही ज़्यादा हैवी था, इनसे बैठा भी नहीं जा रहा था। और यहाँ पे भाई भी बैठ गए। देन उसके बाद जो पूजा वगैरह वो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। सो यहाँ पे जो चाचू हैं मेरे, वो इनके हाथ में हल्दी लगा रहे हैं क्योंकि लगाते हैं ना कन्यादान करने से पहले हल्दी, तो हमारी साइड भी ऐसा होता है, हल्दी लगाते हैं हाथ में, तो वो यहाँ पे वही कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे मतलब कुछ ऐसी रस्में थी, कुछ ऐसे रिचुअल्स है जो मुझे नहीं पता, जिनके बारे में मुझे नहीं समझ में आता ज़्यादा कुछ। सो गाइज, उसके बाद यहाँ पे इनके फेरे स्टार्ट हो गए। फेरे का ज़्यादा रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पे कोई फ़ोन पकड़ने वाला नहीं था। दीदी को मैंने थोड़ा सा अंदर भेज दिया था रेस्ट करने के लिए, यहाँ पे मैं थी। इनका लहंगा संभालना पड़ा था, बार बार ना वो आग में चला जा रहा था लहंगा, तो मैं और इनके हस्बैंड मतलब भाई हम दोनों ही संभाल रहे थे। ये देखो बार बार यही गलती करती है, भेद से बाहर निकल जा रही थी। मेरे टाइम पर भी मैंने ये गलती करी थी। सो फेरे का मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया। देखो फिर यहाँ पे सुबह के 6:30 बज गए थे और उजाला भी हो गया था। तो यहाँ पे ना जो लड़की के मम्मी पापा ताई ताऊ जी जो भी मतलब फैमिली होते हैं, कलीरे बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले चाची और चाचू ने बनाया कलीरे, उसके बाद बुआ अम्मा इन सब ने कलीरे बनाया। दीदी के हाथ में ये जो बाली है, ये बाली अम्मा ने बनाई थी, मतलब मेरी जो दादी सास है उन्होंने लिया था इनके लिए, इन्होंने बनाया था इनको यहाँ पे। मतलब जो भी रिश्तेदार वगैरह होते हैं ना, वो इसी टाइम मतलब लड़की को कपड़े कुपड़े जो भी मतलब गहने गुने जो भी दिया जाता है लड़की को, इस टाइम ही दिया जाता है यहीं बेद में। ये देखो अम्मा भी कलीरे बना रही है इनको, तो कलीरे बनाए जाते हैं खील वाले जो होते हैं, वो वाले कलीरे। देन उसके बाद यहाँ पर पता नहीं क्या बातें चल रही हैं, मेरे को भी नहीं पता। सो यहाँ पे लेना देना ख़त्म करने के बाद, उसके बाद ये जो है दूल्हा दुल्हन इनको अंदर लेके आते हैं और ये शक्कर खिला रही है चाची इनको, घी शक्कर। यहाँ पे जहाँ पे ये मंदिर बना होता है डेरा बोलते हैं इसको, यहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं ये लोग। उसके बाद दीदी को मैंने भेज दिया था घर पे कि आप जाओ चेंज करके आ जाओ, क्योंकि दीदी ने इनके साथ इनके ससुराल जाना था ना। तो यहाँ पे चाची इनको पता नहीं जो लेने का सामान है वो दे रही हैं। और यहाँ पे विदाई का टाइम भी आ गया, आप सबके मुंह देख रहे होंगे, सबका मुंह रोने जैसा बन चुका है क्योंकि विदाई का ऑलमोस्ट टाइम आ चुका है। ये खड़ी मैं यहाँ पे और बुआ इनको कुछ बता रही थी शायद यहाँ पे। मैं रोना नहीं चाहती थी, मैंने इनको मना किया था कि रोना मत। तो उसके बाद ये पता नहीं, मुझे तो पता नहीं था कब रो पड़ी है, मैं तो बाहर थी, बाद में अंदर आके देखा तो ये रो रही है। फिर मेरी तरफ देख के रोने लग गई मेरे को, फिर मेरे को भी रोना आ गया। फिर जब मैं गले लगने गई इनके, तो ये मेरे को पकड़ के बहुत रोई बेचारी।
सो गाइज़ यहाँ पे जो लेके आए थे डोली उठा के ना, मतलब पालकी उठा के जो भी लेके आए थे वो सारे यहाँ पे मिल रहे थे, जैसे दादा पापा फिर अशु चाचू सब मिल रहे थे। ब्राइट से डोली के अंदर ही मिलते हैं, मतलब पालकी के अंदर, हमारी साइड डोली बोलते हैं इसलिए मैं बार बार डोली बोल रही हूँ। पालकी के अंदर मिल रहे थे सारे इनसे, और पापा भी रोने लग गए थे इनको, जब ये पापा के गले रख के रोई थी। तो यहाँ पे रियांश भी मिलने गया था अपनी बुआ से, देन उसके बाद यहाँ पे जब उनको पालकी से मैं और बुआ निकाल रहे थे, फिर मेरे गले लग के दोबारा बेचारी रोने लग गई। फिर मुझे भी बड़ा रोना आया। और वैसे भी ना काफ़ी, मतलब जब से ये वहाँ से फरीदाबाद से आई थी नौकरी छोड़ के, तो मैं इनके साथ ही रहती थी और ये मेरे साथ ही रहती थी। मतलब ज़्यादा टाइम ना इसने मेरे साथ और पूजा के साथ ही निकाला, मेरी देवरानी के साथ, तो हमसे ज़्यादा अटैच हो गई थी इसलिए ज़्यादा रो रही थी हमारे लिए। और बोल भी रही थी कि वहाँ पे आ जाना मिलने करने के लिए मेरे को और पूजा को। मैंने कहा हाँ आप जाओ, हम आ जाएंगे पीछे से।
सो गाइज़ यहाँ पे शादी का ब्लॉग और शादी दोनों ही ख़त्म हो गई और विदाई भी हो गई, और मुझे एडिटिंग करते समय भी याद आ गई उनकी, और आज ही गई है वो यहाँ से जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ अभी, बल्कि गई है। सो ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पे नए आओ तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक प्यारे से नए ब्लॉग के साथ। आज के दिन जिस दिन विदाई हुई थी उस दिन हम लोग सारे घर गाँव वाले घर वाले मिलने करने गए थे, यहाँ पे ऐसा रिचुअल है जाना पड़ता है। सो ब्लॉग में बने रहे।